स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे लॉन्गीट्यूडनल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की जैसा कि इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि लॉन्गी रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसमें हम मल्टीपल टाइम्स डाटा कलेक्ट करते हैं तो अगर हम बात करें लॉन्गीट्यूडनल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की तो इन लॉन्गील एक्सपेरीमेंट डिज़ाइन द रिसर्चर कैन एड मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टेकन बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रीटमेंट द नंबर एंड टाइमिंग ऑफ विच आर डिटर्मन बाय द हाइपोस अंडर स्टडी यानी कि इसमें आपके पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं जो कि प्री टेस्ट की शेप में हो सकती है इंटरवेंशन की शेप में हो सकती है और पोस्टेस्ट की शेप में हो सकती है अब इसका नंबर कितना होगा कि कितनी आपने ऑब्जर्वेशंस लेनी है और कितने टाइम के बाद लेनी है ये प्योरली डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ़ द स्टडी और हाईपोस ऑफ द स्टडी के ऊपर अगर मैं इसके डिज़ाइन नोटेशन दिखाऊं तो ये आपको एक नज़र आ रहा होगा कि इसमें हमारे पास थ्री जो है फोर फाइव फाइव हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन्स हैं जिसमें दो जो हैं ऑब्ज़र्वेशन बिफोर द ट्रीटमेंट है और तीन ऑब्ज़रवेशन्स जो हैं वो आफ्टर द ट्रीटमेंट हैं और इसमें एक कंट्रोल ग्रुप है और एक, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है तो जो लॉन्गील एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन है इट अलाउज़ अस एग्जामिनेशन ऑफ हाउ अफेक्ट्स चेंज ओवर टाइम यानी रिविजल्स में चेंज ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम कितना कंसिस्टेंट है आफ्टर टेकिंग द ट्रीटमेंट क्या उसमें कोई कंसिस्टेंसी है कि नहीं ये हम लॉन्गील एक्सपेरीमेंट रिसर्च डिज़ाइन में लोकेट कर सकते हैं दिस डिज़ाइन अलाउज़ यूज ऑफ ग्रोथ का मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट यानी हम उनकी ग्रोथ का कव बना सकते हैं कि कितना ओ, उसमें इम्प्रूवमेंट आई या कितना उसमें जो है वो जो है नीचे को गया उनका बिहेवियर तो उसको हम चेक कर सकते हैं एंड दीज डिज़ाइंस आर फ्रिक्वेंटली मोर पावरफुल दैन डिज़ाइंस विद फ्यूअर ऑब्जर्वेशन ओवर टाइम तो जिसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगी तो वो डिज़ाइन ज़्यादा पावरफुल होता है एंड इस्पेसली फाइव और मोर वेव्स ऑफ मेजरमेंट्स आर यूज तो जैसे जैसे आपकी ऑब्जर्वेशंस बढ़ती चली जाएंगी आपके सब्जेक्ट्स का नंबर कम होता चला जाएगा यानी आप उसमें अपने सब्जेक्ट्स को कम करते चले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट्स को ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम लोकेट करना एक मुश्किल काम है इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक स्टडी जो स्नेडर एंड विल्स ने 1989 में कंडक्ट की जो कि फोर ईयर्स लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी इसमें इन्होंने सेवनटी नाइन डिस्ट्रेस्ड कपल्स को सिलेक्ट किया और उनको रैंडमली असाइन किया तीन ग्रुप्स में एक ग्रुप था जिसने ट्रीटमेंट लिया मैरिटल बिहेवियर थेरेपी का जो कि 29 का ग्रुप था दूसरा ग्रुप था जिसने ट्रीटमेंट लिया इनसाइट ओरिएंटेड मैरिटल थेरेपी ये 30 का ग्रुप था और एक कंट्रोल ग्रुप था जिसको की तादाद 20 थी तो इनकी स्टडी से ये पता चला कि जो ट्रीटमेंट ग्रुप था Uh, वो फोर ईयर यानी सिक्स मंथ फॉलोअप था उनका ट्रीटमेंट uh, के बाद तो वो चार साल जो है उसमें से फिफ्टी फाइव कपल्स लोकेट हुए आउट ऑफ फिफ्टी नाइन पीपल और फिफ्टी नाइन सब्जेक्ट्स यानी उन्होंने पचपन लोगों ने उनसठ में से जो है चार साल जो है वो रिसर्च टीम के साथ इन कांटेक्ट रहे और उन्होंने ये स्टडी कम्प्लीट की और जो आपका कंट्रोल ग्रुप था वो इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ स्टडी ही वो जो है स्किप होना शुरू हो गए तो इससे ये पता चलता है कि ये सा जो डिज़ाइन है लॉन्गिट्यूडल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन ये एक अच्छा सक्सेसफुल डिज़ाइन है जहाँ पे आपने आ, एक कंटिन्यूस बिहेवियल थेरेपी देनी हो और उसके बाद उसको मॉनिटर करना हो